ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका जो पिछले साल आया, फैबिएसी फैमिली सोलिनेसी और लिलिएसी फैमिली से कैसे डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट, या हम जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, एपिफाइलस एपिफाइलस होता है। स्टेमन्स जो है वो लीव्स पत्तों के साथ अटैच्ड होते हैं, उसे एपिफाइलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, डायथिकस डबल थिका, डायएडेलिफिस दो ग्रुप्स में बटा हुआ स्टेमन है, पॉलीडेलिफिस बहुत सारे ग्रुप्स में बटा हुआ स्टेमन है। तो इसका बेस्ट आंसर आपका एपिपेटलस, एपिपेटलस कंडीशन होती है जब स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दिस इज योर बेस्ट आंसर, इससे डिफर करता है। फिर क्वेश्चन आता है एग्जाइल प्रेजेंटेशन इज वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच, चाइना रोज, पेट्यूनिया, लेमन। आपको ये देखना है, तो ये आ गया इसमें आपका आंसर। गॉट इट? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। तो बोथ ए आर, दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है। इंटरनोड, शूट की इंटरनोड ही फ्लोरल अपेंडेजेस में चेंज होती है, और एन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर आता है तुम्हारा कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन आपको किस, फिर से देखो एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आया है, एस्टिवेशन पे दो क्वेश्चन है 2023 में। तो वेलवेट एस्टिवेशन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका। पी फ्लावर में फाइव पेटल्स आर अरेंज इन स्पेशल, इस तरह से अरेंज होती है ना, पढ़ा है हमने ये। ये कील होता है, फिर स्टैंडर्ड होता है, कील, विंग्स एंड स्टैंडर्ड। सो दिस इज स्टैंडर्ड, दिस आर विंग्स एंड दिस इज कील। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत बारी पढ़ा है। ये पी फैमिली में आपको नजर आएगा। बट इट, सो ये 2023 का क्वेश्चन प्रेजेंटेशन। देन यू हैव, दिस इज अगेन 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मिलाना है एग्जांपल्स। मैंने आपको पहले भी बोला मॉर्फोलॉजी एग्जांपल्स पे निर्भर करती है। दिस इज योर फोर्थ आंसर। ए का थर्ड जाइगोमॉर्फिक स्कैसिया, ये एनसीईआरटी में दिया होगा सारा। बी का वन मस्टर्ड, सी का टू प्लम एंड एपिगाइनस ओवरी, इस डी का फोर कुकुम्बर। दिस इज योर बेस्ट आंसर। फिर आता था फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, फिर से वही क्वेश्चन, एक ही 2023 में भी आया, 2022 में भी वही क्वेश्चन आया हुआ। तो फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन बी एंड सी, गुलमोहर एंड केसिया। ये भी आपको एनसीईआरटी में साफ साफ देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इन टू पॉइंटेड हार्ट थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, स्क्वायर क्वाड्रेंट ठीक है। पंछिया में स्टेम फ्लैट हो जाती है और लीव्स कांटे के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइजोफोरा न्यूमेटोफोर्स ऊपर आ जाती है रूट्स, और इसमें लेंटिसेल्स आ जाते हैं, भी ठीक है, ये भी ठीक है। बी सी डी एंड ई फोर्थ आंसर। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑफ एक्सिलरी एस्टिवेशन। इनमें से एक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो कौन बताता है? डायडोल्फस, डायडोल्फस होता है दो का ग्रुप, ठीक है। तो पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम क्या होता है? मटर। फिर 2022 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंड्रोशियम इन द फ्लावर। द स्टेराइल स्टेम्स आर कॉल्ड स्टेबिनॉइड्स, बिल्कुल ठीक। व्हेन स्टेम्स आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर कॉल्ड एपिपेटलस, करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स पे पूछा, मतलब आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, इसमें पॉलीडेल्फस नहीं होता, इसमें डायडेल्फस दो का ग्रुप होता है। वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप आसम आ, बिल्कुल धीरे से आ जाए, अंडरस्टूड। तो ये 2022 तक के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। 2022-2023 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2023 मैंने बुक किया है
2022-2023 का क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो बनाई है, आपको पता चलेगा कि 2023 में एनसीईआरटी से क्वेश्चन है।